नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट आप करूर व्यासा बैंक में खोले हैं तो यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं करूर व्यासा बैंक में तो शायद ही आपको पता ना हो कि करूर व्यासा बैंक में एक सिस्टम है, जैसे कि SBI में है SBI रिवार्ड्स, ठीक उसी तरह आप करूर व्यासा बैंक में KBB अनमोल रिवार्ड्स जो है वो भी पा सकते हैं। दोस्तों, आप जो ऑनलाइन स्पेंड करते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं या फिर ATM वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें से आपको कैशबैक, एक परसेंटेज की कैशबैक जो है आपको दिया जाता है दोस्तों, रिवार्ड पॉइंट्स के तौर पर। और उसको आप कैश में कन्वर्ट करके रिचार्ज वगैरह में यूज कर सकते हो या फिर कुछ सामान वगैरह खरीदना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों, आप कैसे KBB अनमोल रिवार्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन जो है आप कैसे यूज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। तो कृपया वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करें KBB अनमोल रिवार्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे अनमोल रिवार्ड्स KBB करूर व्यासा बैंक डेवलपर जो है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इंस्टॉल जो है कम्प्लीट हो गया, इसको ओपन करें। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, अगर जो एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड डिवाइस में यूज करते हैं वो सिक्योर है, यानी कि ज़्यादा सिक्योर है, तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर होता है वो उसको कैच नहीं करता है दोस्तों, ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है। तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके आया हूँ और यहाँ पे आपको बताऊँगा आप कैसे करूर व्यासा बैंक की जो अनमोल रिवार्ड्स है उसको यूज कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सिंपल सा बात है, आप गूगल सर्च में KBB अनमोल सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पहले वाला ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, anmolrewards.com, करूर व्यासा बैंक की वेबसाइट है वो, तो वहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे अनमोल रिवार्ड्स की जो होम पेज है दोस्तों वो खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर करने का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे डिटेल्स भी यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो माई अकाउंट में क्लिक करें। माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको रजिस्टर करने का जो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप लॉगिन जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके लॉगिन कर सकते हो और आपका अनमोल रिवार्ड्स मनी जो है उसको आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे रजिस्टर करेंगे दोस्तों, तो न्यू यूजर पर क्लिक करें। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पेज जो है ओपन हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। एक तो आप कस्टमर आईडी के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरा जो है दोस्तों डेबिट कार्ड के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, आप कैसे डेबिट कार्ड के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करें। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा डेबिट कार्ड नंबर जो है वो देना पड़ेगा दोस्तों, और उसके साथ साथ नीचे वाले जो बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स है वहाँ पे आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है दोस्तों, और उसके बाद आप कैरेक्टर यानी कि जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पर डालें। डालने के बाद सबमिट करें और आपको एक OTP आएगा दोस्तों। OTP आने के बाद आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, नया पासवर्ड क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे और एक बात बता दूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे रजिस्टर यानी कि यूज़र आईडी जो है पूछा जाएगा दोस्तों। यूज़र आईडी आप आपका मोबाइल नंबर रख सकते हैं या फिर आपका ईमेल आईडी रख सकते हैं या फिर आप मैनुअली कोई नया यूज़र आईडी भी रख सकते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे कि मैं रजिस्टर कर चुका हूँ तो यहाँ पर फिर से रजिस्टर नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें। माई अकाउंट साइन इन पर क्लिक करने के बाद यूज़र लॉगिन यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी, जैसे कि हमारे केस में मैं मोबाइल नंबर दिया था तो मोबाइल नंबर यूज़र आईडी के तौर पर यूज़ करूँगा, और उसके बाद जो पासवर्ड आप सेट करते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डालें दोस्तों। तो पासवर्ड की कंडीशन ये है दोस्तों, आपके आप जो पासवर्ड चूज करते हैं KBB अनमोल रिवार्ड्स में, वो पासवर्ड में मिनिमम एक कैरेक्टर जो है मतलब अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और एक स्मॉल केस होना चाहिए, उसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिक भी होना चाहिए, और मिनिमम लेंथ जो है दोस्तों 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करूर व्यासा का जो अनमोल रिवार्ड्स वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों, आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में अभी रिसेंटली एक रिचार्ज किया हूँ दोस्तों, 35 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में अभी पॉइंट्स है अवेलेबल पॉइंट्स 366.15 पॉइंट्स।
तो दोस्तों इसी तरह आप KBB यानी कि करूर व्यासा बैंक की जो अनमोल रिवार्ड्स है उसको यूज कर सकते हो कैश में कन्वर्ट करके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बस फ्लाइट बहुत सारे चीज़ जो है वहाँ पे आपके अकाउंट में मिल जाएगा दोस्तों। सेम है, आप एप्लीकेशन में जो यूज करते हो वो भी सेम ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, और आप अगर वेब पे लॉग इन करके देखते हो तो वो भी आपको सेम ही ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल आपके पास मोबाइल है तो आप एप्लीकेशन जो है लोड करके वहाँ पे रजिस्टर करके उसको यूज करें। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बहुत यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि हम जो मनी स्पेंड करते हैं उसमें से हमको कैशबैक यानी कि रिवार्ड्स पॉइंट्स के तौर पर हमको मिलता है दोस्तों, और उसको हम कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास करूर व्यासा बैंक की अकाउंट है तो आप ये अनमोल रिवार्ड्स वाला जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।